नमस्कार दोस्तों, दोस्तों ये गेहूं का बेस्ट आटा है। बेस्ट कैसे है इसके बारे में डिटेल में बताएंगे डॉक्टर मोहित जून, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा तेल बेहतर होता है, क्योंकि गेहूं और तेल दो ऐसे मुख्य चीजें हैं जो हम लगभग रोज खाते हैं, और यदि ये सही तरीके से ना खाया जाए तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, ये मेरा नहीं कहना, ये मेडिकल एक्सपर्ट का कहना है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बेस्ट आटा कौन सा होता है और इस चक्की में जो पीस रहा है ये बेस्ट कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप हैं डॉक्टर मोहित जून जी, पिछले कई सालों से लोगों को अवेयर कर रहे हैं खान पान के बारे में, शुद्ध चीजों के बारे में। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं, आटे के बारे में और तेल के बारे में। डॉक्टर साहब, कौन सा आटा बेहतर है गेहूं का, क्योंकि गेहूं बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है, मुख्य भोजन है, लेकिन गेहूं से अब नुकसान हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्या कारण है और ये कैसे बेहतर है, बताइए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हम गेहूं खा रहे हैं आज, वो गेहूं पेस्टिसाइड फ्री होना चाहिए, मतलब कि वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ये पहली चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। और इसके बाद जो दूसरी चीज आती है, जिस गेहूं का आटा हम खा रहे हैं तो वो आटा कैसे पिसा है, उसकी पिसाई किस चक्की में की गई है, वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आज जो चक्की आप मार्केट में देख रहे हैं, मील में देख रहे हैं, वो एमरी स्टोन की चक्की है, जो बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, आयरन ऑक्साइड का, और उन केमिकल्स को मिलाकर वो स्टोन बनाया जाता है, जिनका इस्तेमाल आपकी चक्कियों में होता है हमारे गेहूं के आटे को पीसने के लिए। लेकिन ये एमरी स्टोन क्या है, ये हमारे भारत में जितनी भी चक्कियां, आप ये मान के चलिए कि ज्यादातर स्टोन चाइना से आता है, जो खराब क्वालिटी का होता है, घिस जाता है, और वो घिसकर हमारे आटे में आ जाता है, जो बाद में हमें तह बीमारियां पैदा करता है शरीर में। और ये जो कोल्ड प्रेस आटा चक्की जो आज हम कहते हैं, इनमें जो स्टोन इस्तेमाल होता है, ये बेसिकली नेचुरल स्टोन होता है, पत्थर होता है जो पहाड़ों से लाया जाता है, और ये घिसता नहीं है जब हम इसको चक्की में इस्तेमाल करते हैं अपने गेहूं को पीसने के लिए। अब इसमें आगे एक और बात जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि एमरी स्टोन की जो चक्कियां हैं, वो लगभग 400 से 1400 आरपीएम पर चलती हैं। और आपने अक्सर देखा होगा कि उन एमरी स्टोन की चक्की से जब आटा निकलता है तो वो इतना गर्म होता है कि हमारा हाथ तक जल जाता है। हम ये कह सकते हैं कि काफी हद तक वो जो अनाज होता है, वो आटा होता है, वो खाने लायक नहीं रह जाता। तो दूसरी तरफ अगर हम इस स्टोन को भी अगर तेज आरपीएम पर अगर आटा निकालेंगे तो वो आटा भी गर्म निकलेगा और उसकी क्वालिटी भी घट जाएगी। तो हमने ये सोचा कि इन स्टोन से, इस स्टोन को हम स्लो आरपीएम पर चलाते हैं, जो ये चक्की है इसका 65 से 70 आरपीएम है, जो धीरे धीरे चलता है, और इससे जो आटा निकल के आता है वो रूम टेम्परेचर पर आता है, मतलब ठंडा आटा निकलता है, जिससे जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, जो फाइबर होता है आटे में, वो ज्यों का तो बना रहता है और उसमें कोई भी लॉस नहीं होता, और वो जो क्वालिटी होती है आटे की वो बहुत अच्छी रहती है खाने के लिए, वो फायदा पहुंचाता है आपके शरीर को, फायदा पहुंचाता है नुकसान की बजाय। इसमें जो एक अंतिम चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगा, वो ये कि आप कभी भी इस चक्की से जो निकाला हुआ आटा है उसको छान कर मत खाइए, उसको बिना छाने हुए खाइए, वो आपके शरीर को कई गुना ज्यादा जो है फाइबर देगा, और आपकी पेट की समस्या है या कोई भी जो शरीर की समस्या है, वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो डॉक्टर साहब, ये तो चक्की की बात हो गई, अब हम बेस्ट आटे की बात करें, जो गेहूं का है वो कौन सा होता है, उसको एक बार आप ब्रीफिंग बताइए। जी, अगर इसमें अगर हम बेस्ट आटे की बात करें तो सबसे पहली चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि हमारा जो अनाज है, हमारा जो गेहूं है, वो ऑर्गेनिक होना चाहिए, किसी भी तरीके का केमिकल, यूरिया, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल उसमें नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक गेहूं। दूसरी चीज जो आती है वो ये है कि अगर हम हाथ की चक्की, जो हमारा दादी नानी जो चक्की चलाया करती थी और हम वहां पर बैठकर उस पर मजे लिया करते थे, देखा करते थे, हंसी खेली किया करते थे, तो वो जो चक्की है अगर आप उसका आटा खा सकते हैं, उस हाथ की चक्की को आज भी चलाकर वो आटा खा सकते हैं, तो वो सबसे बेहतर होगा। अगर जैसे समय के साथ चीजें बदल गई हैं, दादी नानी के साथ अब वो बात भी चली गई है, तो आप इस तरीके की नेचुरल स्टोन की कोल्ड प्रेस चक्की, जो लगभग उसी स्पीड पर, उससे थोड़ी सी ज्यादा स्पीड है, जैसा मैंने बताया 65 से 75 आरपीएम है, 70 आरपीएम है, इस चक्की का आप आटा खाएं। अगर बिना छाने खाएंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और इसमें एक और बात कि आप उस आटे को 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, ये मैंने ज्यादा से ज्यादा समय बताया है, 15 से 20 दिन के अंदर उस आटे को आप कंज्यूम कर लें, उसे खा लें, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला होगा। इसमें मैं आपको बता दूं कि जो आटा आप पीसते हैं, अगर आप उस गेहूं को उससे पहले एक बार धो लें, सुखा लें, और उसके बाद अगर आप आटा निकालते हैं, तो उस आटे को आपको छानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसके जो है गुण और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर मोहित जून जी ने बताया कि गेहूं का आटा अच्छा है, लेकिन शर्त यह है, सबसे पहले तो गेहूं ऑर्गेनिक हो, फिर उस गेहूं को अच्छी तरह से धोकर सुखाया जाए, और फिर लो आरपीएम की चक्की पर पीसा जाए, और फिर बिना छाने हुए 10 से 15 दिन या 20 दिन मैक्सिमम
के भीतर उसको यूज कर लिया जाए। तो ये तो हुई गेहूं की बात। गेहूं में भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आजकल क्या है कि गेहूं को हम डीमीन करने पर तुले हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से गेहूं का यूज करेंगे तो गेहूं भी बहुत अच्छा गुणकारी है। पर बदल बदल कर खाना जरूरी है, पूरे साल भर गेहूं नहीं खाना चाहिए। और कैसे खाएं वो आपने देखा। अब बात करते हैं तेल की। तेल भी हमारे भोजन का मुख्य अंग है, वो किस फॉर्म में यूज किया जाए जो हमें अच्छी सेहत दे, पूछते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, जो तेल है वो भी एक मुख्य हमारे भोजन का हिस्सा है, रोज तेल में कुछ ना कुछ बनाते हैं, छोंक लगाते हैं, कौन सा तेल बेहतर है? जी, इसमें अगर हम तेल की बात करें कि हमारे लिए कौन सा तेल बेहतर है, अच्छा है हमारे शरीर के लिए, तो हम सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा एडवर्टाइज किए जाने वाले रिफाइंड तेल की। तो रिफाइंड तेल हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, वो हमें नहीं खाना चाहिए, उसे आप लिस्ट से हटा दीजिए। अब बात करते हैं बिना रिफाइंड तेल की, तो इसमें सबसे पहले आता है स्पेलर वाला तेल। स्पेलर वाले तेल के अंदर जो दिक्कत होती है वो ये कि उस जो तेल का जो प्रोडक्शन होता है उस दौरान जो हीटिंग होती है, उस हीटिंग की वजह से जो ट्रांस फैट है, जो फैटी एसिड है, वो पैदा हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। और स्पेलर के तेल के बाद आता है कच्ची घानी का तेल। कच्ची घानी का तेल अगर हम लो आरपीएम पर निकालते हैं तो वो तेल निकालने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में कहीं पर भी हीटिंग नहीं होती है, तेल गर्म नहीं होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो के त्यों बने रहते हैं और उनमें जो ट्रांस फैट्स हैं वो पैदा नहीं होते। इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अगर आप कच्ची घानी का भी तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले उसे एक एयर टाइट कंटेनर में जरूर बंद कर लेना है, क्योंकि अगर आप उसे खुला रखेंगे तो उसमें भी जो ट्रांस फैट है, जो ऑक्सीडेशन है तेल का, वो हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं तेल की क्वालिटी को भी कम करेगा और हमारे शरीर को उतना फायदा नहीं पहुंचाएगा जो फायदा हमारे शरीर को तेल से मिलना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर मोहित जैन जी ने बताया कि सबसे अच्छा तेल कच्ची घानी का है जो लो आरपीएम पे निकलता है, और उसमें भी ध्यान देने की बात यह है कि उसको एयर टाइट रखें, हवा और नमी से बचाएंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि हवा और नमी के कॉन्टेक्ट में आने से कोई भी तेल हो वो जल्दी ऑक्सीडाइज होता है और उसमें ट्रांस फैट बनने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हवा नमी से बचाते हुए कच्चे घाने के तेल को प्रयोग करेंगे तो वो बेस्ट है। तो ये थी आटे और तेल की जानकारी। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और आपको एक चीज और बता दूं मैं, डॉक्टर मोहित जून हरियाणा में झज्जर जिले के बहादुरगढ़ शहर में रहते हैं और यहाँ पर इन्होंने लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यही अपने सेटअप में ये चक्की लगाई हुई है और एक कच्ची घानी का सेटअप भी है और ऑर्गेनिक सामान भी लोगों को देते हैं, यानी कि ये अवेयर कर रहे हैं कि आप शुद्ध चीजों से जुड़िए। तो यदि कोई बहादुरगढ़ में आसपास रहता है तो वहाँ इनसे संपर्क कर सकता है। ये जो चक्की है इससे आटा ले सकता है या पिसवा सकता है। जैसा आप जानते हैं कि ये निःशुल्क मुहिम है टेक्निकल फार्मिंग की, ताकि अच्छा काम करने वाले किसानों को बढ़ावा मिले। और इसी कड़ी में हम ऐसे किसानों को जोड़ रहे हैं शुद्ध फार्म के माध्यम से, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म पर ऐसे किसानों का सामान सीधे लोगों तक पहुंचे, किसानों को बढ़ावा मिले और आपको शुद्ध चीजें मिले। ये शुद्धता की मुहिम को आपका प्यार मिल रहा है, इसके लिए आभार। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।